नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में पहली बार किसी विदेश दौरे पर हैं। मौजूदा समय में वो बांग्लादेश के दौरे पर हैं। शुक्रवार 26 मार्च को ढाका पहुंचे पीएम मोदी, शनिवार को भी बांग्लादेश में ही रहेंगे। ये दो दिवसीय दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा ऑलराउंडर शाकिब अल हसन से भी मुलाकात की, जिसको लेकर शाकिब ने उनका आभार व्यक्त करते हुए उनकी जमकर सराहना की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद अपने बयान में कहा, वास्तव में पीएम मोदी से मिलने के बाद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि उनकी यात्रा दोनों देशों के लिए फलदायी होगी। भारत के लिए उन्होंने जो नेतृत्व दिखाया है वो जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भारत और हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। भारत दिन पर दिन बेहतर होता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। उन्होंने ढाका के सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पौधरोपण भी किया और विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। इसके बाद वो ढाका के एक होटल पहुंचे, जहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से उनका स्वागत हुआ। वो दाऊदी बोहरा समुदाय से भी मिले। वो आज बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल्ला मोमान से मुलाकात भी करेंगे। फिर वो नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। शाम को वो बापू बगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। शाकिब अल हसन के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो वो फिलहाल चोट के चलते टीम से बाहर हैं, लेकिन एक साल का बैन झेलने के बाद वो बांग्लादेश के लिए वापसी कर चुके हैं और माना जा रहा है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14 सीजन के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने इस धाकड़ ऑलराउंडर को अपने सीजन में अपने साथ जोड़ा है। केकेआर ने उनको 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। आपको बता दें आईपीएल का सीजन 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।